ठीक है, जी उस स्टेज पे जब हम थे ना, हमने भी ऐसे ही गलती की थी। तो ऐसा नहीं है, अपने जो दोस्त आते हैं काम करने के लिए, कभी उनको ये नहीं बोलना है कि क्या यार कितनी बार बताया आपको, समझ में नहीं आता, ऐसे वर्ड कभी यूज नहीं करने हैं। आप उनको 10 बार बताओ, 20 बार बताओ, क्योंकि कोई समझता है अपने बेनिफिट के लिए समझता है, नहीं भी समझ में आता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताना। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा लेट आता है, सबका IQ एक जैसा नहीं होता है। धन्यवाद अबे भाई, कीजिए साथ में रहिए, मीटिंग का एंजॉय कीजिए। ओके ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद अबे भाई। और मीटिंग में बबलू भाई, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सर। बढ़िया सर, भी बढ़ी हुई है सर, जबरदस्त। आज पता है बुलंदशहर का रास्ता है मेरे घर से तकरीबन 4.5 घंटे का। मैं 4 बजे उठा और एक हाथ में लैपटॉप का बैग था और गाड़ी मैंने बाहर खड़ी कर दी थी घर से कि थोड़ा जल्दी जाना, बाहर ही खड़ी कर देते हैं, और ऊपर लगा दिया कवर। एक हाथ में लैपटॉप था, मैं कवर उठाने जा रहा था, कवर नहीं उठा। फिर लैपटॉप रख के दोनों हाथों से कवर उठाया, फिर भी नहीं उठा। फिर देखा कि बर्फ की चादर जमी हुई है गाड़ी के ऊपर, इतनी ज्यादा सर्दी थी, और वो धीरे 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 करके बर्फ की चादर को हटाया, इतनी जबरदस्त बर्फ जमी हुई थी गाड़ी के ऊपर। तो बहुत सर्दी है और एक दो दिन सुनने में और सर्दी होने वाली है। तो दोस्तों थोड़ा सा बचाव करके अपनी रजाई वजाई लेके और फिर मीटिंग पे बैठिए, एंजॉय करते हैं मीटिंग को। सर्दी बहुत है सर, हवा जो चल रही है ना उसके वजह से यहाँ ठंड बहुत अधिक है सर, बहुत ज्यादा है सबके। मुझे लगता है ऑल इंडिया में ही ठंड एक दो दिन से बहुत ज्यादा बढ़ी है। जी सर, वजह है सर कि मतलब अवर लेट आई है सर्दी, अगले साल के बनिस्पत इस साल लेट आई है सर्दी। ओके ओके ओके, तो एक दो दिन तो सुनने में आया बहुत ज्यादा ठंड रहेगी, तो अपना बचाव रखिए और मीटिंग को एंजॉय कीजिए बबलू भाई। जी सर, 350 लोग आ चुके हैं और साथ में आ चुके हैं जयराम भाई। जयराम भाई कैसे हैं, नमस्कार। नमस्ते सर जी, कैसे हैं? सब मजे सब मजे। तो आप हरियाणा से हैं ना? हाँ हरियाणा से, चरखी दादरी। हरियाणा में बर्फ पड़ती है आज? जिसको पाला बोलते हैं ना, पाला वो पड़ा है। सूखी रेत होती है ना, सूखी, बिल्कुल सिंपल सूखी रेत, उस पे भी बर्फ जमी हुई है। मैं सर अमृतसर में कई साल निकाला हूँ, 4-5 साल, वहां कभी मुझे बर्फ नहीं पड़ते हुए दिखी। तो हरियाणा तो शायद अमृतसर से इधर ही पड़ता है ना? हाँ, थोड़ा नीचे की साइड पर है, रेतीली जमीन है, रेतीली जमीन जो है ठंडी भी जल्द होती है और गर्म भी जल्द होती है। और चूरू जिला है ना राजस्थान का, चूरू जिला, उसमें -डिग्री तापमान था कल का, 0-0 डिग्री। मैं पिछले साल तो गुरुग्राम जाके आया था। गुरुग्राम उधर ही कहीं पड़ता है क्या सर? मेरे से तकरीबन 100 किलोमीटर है। जी जी जी, गुरुग्राम में जाके आया था पिछले साल, कुछ कंपनी से रिलेटेड काम था। लेकिन कभी सर बर्फ से सामना नहीं हुआ इतने सालों में, आप बता रहे हैं तो मुझे थोड़ा बहुत अजीब। अभी एक दो दिन तो शायद देख और देखने को मिले, आइए घर पे हरियाणा में दिखाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके जयराम भाई, जब देख तकरीबन 380 के करीब दोस्त हैं जो वो जुड़ चुके हैं, और सभी दोस्तों का फिर से तहे दिल से धन्यवाद जो आपने इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं हमें। लगता है आज अकेले संभालना पड़ेगा सर मीटिंग आपको। हाँ वो नालायक हैं दोनों, टेक्निकल से समझ नहीं आते। नहीं सर, किसी काम में ही बजे हुए होंगे, कोई जरूरी काम होगी, डॉलर गिनने होंगे बदमाश, या टेक्निकल में थोड़ा विशेष एनर्जी लगता है सर, पता नहीं किधर से कौन सा सवाल का गोला आ जाए, उसका हम जवाब दे पाए या न दे पाए। इसलिए ऐसा ही है बबलू भाई, मिलजुल के तीनों मिलजुल के और सभी दोस्तों से मिल लेते हैं, जुल लेते हैं, बस ऐसे ही टाइम और कारवा ऐसे ही चलता रहेगा और गुजर जाएगी जिंदगी। सबसे बड़ी बात तो यही है सर, दिन भर जो हम लोग वर्क करते हैं यहाँ आकर के ये सब बातें जो साझा करते हैं, नीतीश से
एनर्जेटिक हो जाते हैं सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन 400 के करीब आ चुके हैं। और मजुनायद खान भाई कैसे हैं? हाजी सर, घर से बाहर है यार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। थोड़ा सा अभी घर पे जाने में समय लगता है, हमने कहा सर से मीटिंग ले लें पहले। अरे 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 भाई भाई, दर्शन क्या बात कही है आपने। दर्शन सर, इधर तो बहुत हवा चल रही, लेकिन आपके पीछे के पेड़ नहीं हिल रहे हैं सर। पेड़ भी हिलेंगे, सब हिलेंगे, बैकग्राउंड है, कृत्रिम है। सर बहुत मजा आता है आपकी मीटिंग में सर, एकदम जोरदार तरीके से सर जो मीटिंग रहती है। बस बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर आपसे। और एक सवाल सर है ये कि सर, एक हमारी टीम में कभी नए पर्सन ज्वाइन हुए हैं और जिनको मेराज सर का सर्किल ज्वाइन कराया है, और मेराज सर का सर्किल जो है वो ज्वाइन कराया, लेकिन अभी तक के उन्हीं ने उधर से ओके नहीं हुआ है सर। सर्कल ज्वाइन किया है लेकिन ओके नहीं हुआ, मतलब? हाँ जी सर, मतलब अभी ने उधर से क्वाइन सिलेक्ट नहीं होता, क्या क्वाइन हमको सिलेक्ट करना पड़ता है या सर्कल ही जो क्वाइन सिलेक्ट करता है? नहीं, आपको बस एक कमांड देना है, सर्कल जो है अप्लाई टू ज्वाइन करके, और जो परसेंटेज होता है उस पे क्लिक करके, और सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजी करना है। उसके बाद फर्स्ट बाइंग अमाउंट कितना डालना है और कितने कॉइन में ट्रेड करना है वो डाल के सॉरी सबमिट कर देना है। बस वो सिलेक्शन कॉइन सिलेक्शन वो अपने आप करे होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर। सर एक सवाल और दरअसल, ये बताइए, V3 पे $20 आता है या $10 आता है? डायरेक्ट का? हाँ नहीं, डायरेक्ट जी, डायरेक्ट का तो जो है 40 आता है शायद, 50 आता है। और जो टीम से, जब कोई टीम में कोई बंदा ज्वाइन होता है तो उससे कितना आता है सर? वो आपकी लेवल इनकम आती है। मान लो आप V3 हैं, आपके डाउन में कोई V2 है। जी जी जी। तो आपको 50 आएगा, उसको 40 आएगा, तो आपकी जो V2 रैंक का कोई भी उस टीम से कोई भी ज्वाइन होगा तो आपको हर ज्वाइनिंग से $10 आएगा। जो गैप इनकम होता है ना हर लेवल पे, वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। जी 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 सर, यही सर क्लियर करना था, क्योंकि वो मैं समझ रहा था कि 20 ही आता है। 20 कहां से आएगा? उसके डाउनलाइन का, डाउनलाइन उसको ज्वाइन करवाए। मान लो V3 से डायरेक्ट कितना मिलता है? 50 30 हां, V1 को 30 मिलता है और आपको 50 मिलता है, तो उस लेवल से आपको $20 आएगा। जी 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 जी, हर लेवल से देख, हर लेवल से आपको $20 का उसका सॉरी हर लेवल से आपको जो गैप इनकम है वो मिलेगा, चाहे कोई भी लेवल हो। जी 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 सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। सर स्टार्ट करो ना, नया बंदा भी है, MLM राम। राम भाई स्टार्ट ही तो कर रखा है मीटिंग, टेक्निकल सेशन है, क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। जो प्लान अपना एंड्रॉइड रोल क्यू है का एप्लीकेशन है उसको तो एक्सप्लेन कर कल किया था, तो कल के जितने भाई के क्वेश्चन आंसर थे वो आज लेंगे ना, ऐसा ही करते हैं। तो टेक्निकल सेशन चला रहा है, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज बॉक्स मैसेज में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। जेके भाई हैंड रेज कर रहे हैं। जी जेके बिगरी जी। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? आई एम गुड सर, थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट है सीजन, मतलब मीटिंग मेरा फर्स्ट मीटिंग है। मैं ज्वाइन हुआ था लगभग 3 दिन पहले, और मेरा ट्रेडिंग जो मेरे सीनियर है उन्होंने लगाया था, और 2 दिन पर मैं सर ये टेक्निकली मुझे जानना था, क्योंकि मेरे पास कई लोग ऐसे हैं जो मेरे कलीग हैं, मैं जॉब करता हूं तो मेरे जो कलीग हैं सारे जॉब वाले लोग हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑलमोस्ट, कोई क्रिप्टो में कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में कर रहा है, तो सब लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैं उनको ये भी बोल रहा हूँ कि देखो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन कैसे प्रॉफिट आना है टेक्निकली मुझे आइडिया नहीं है, सच पूछिए तो। एक क्वाइन उन्होंने मेरे को, जिन्होंने मेरे सीनियर ने लगाया, उन्होंने मुझे बताया कि माना में आप लगा दो, उन्होंने माना में लगाया, 2 दिन कल प्रॉफिट हुआ, आज होल्ड है सुबह से, तो मुझे एग्जैक्ट किस में काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका मुझे एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए सर, ताकि मैं आगे कन्वे कर सकूं और लोगों को इसमें जान लगा। गिरी भाई ये जो आप एक्सप्लेन है ना ट्रेड सेटिंग का, ये हम कल की मीटिंग में कर चुके हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो डाल देता हूँ,
पूरा एक्सप्लेन है उस मीटिंग में। आपका बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस स्टेज पे एक दो दिन जब हमें हुए थे, हमें भी कुछ नहीं पता था, हम हमारी भी ये इच्छा थी कि हम पूछें ट्रेड सेटिंग क्या रहेगा, बेस्ट पोर्टफोलियो क्या रहेगा। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, अब अभी एकदम से जल्दबाजी मत कीजिए, पहले प्रोजेक्ट को समझिए, रॉयल क्यू अप मार्केट में कैसे काम करता है, डाउन मार्केट में कैसे काम करता है, एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए आपको कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, और अगर मार्केट मान लो 30%, 40%, 50% भी डाउन जाता है तो हमें जो मार्जिन कॉल है उनको कैसे सेट करना है आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। मान लो आपके पास $300 है, $400 है कॉइन की ट्रेडिंग के लिए, तो आप अपनी मार्जिन कॉल को उसके ही अकॉर्डिंग सेट कीजिए कि मार्केट 30% डाउन जाए तो ये सेटिंग लगानी है, 40% डाउन जाए तो सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं क्या सर, बीच में सेटिंग बीच में रॉयल क्यू में किसी भी प्रकार का 1% भी बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाउंडेशन कहाँ आता है, आपका ट्रेड स्टार्ट हो गया कुछ एक पॉइंट में बाउंडेशन आ जाता है, जैसे लाइक जैसे मार्जिन समिन मोड है, 4 मार्जिन कॉल हिट होने के बाद समिन मोड को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, 4 मार्जिन कॉल हिट होने के बाद उसको आप लागू नहीं कर सकते हैं अगर आपने लगाया नहीं है, तो वो कंडीशन होती है आपकी ट्रेडिंग लगाने के बाद। तो उसी पर्पज से आपको बोल रहा हूं कि पहले प्रोजेक्ट को समझिए, न तो आप मेरे हिसाब से रिकमेंड करता हूं, चलो आपने नेटवर्किंग करना या दोस्तों को इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया है मोस्ट वेलकम, लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले आप खुद जानकारी लीजिए, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। मान लो आपने किसी फ्रेंड को इनवाइट किया, ठीक है, नए यूजर को, उन्होंने आपसे क्वेश्चन आंसर कर लिया। आज की डेट में दो तरह के लोग मिलते हैं मार्केट में, एक जिनको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं है, वो तो आपकी फेस वैल्यू के आपके कहने से लगा देते हैं, दूसरे जो अच्छी नॉलेज रखते हैं ऐसे भी लोग मिलेंगे जो काफी सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी वो लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे मैं तो सेल्फ ट्रेडिंग करता हूं भाई, आपका रॉयल क्यू क्यों बेस्ट है, मैं तो अपना खुदा निकाल लेता हूं। उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, उसका जवाब तो है, काफी लोग ऐसे बाल की खाल निकालने वाले भी मिलेंगे आपको। जी जी जी, आपको अगर पूरे प्रोजेक्ट का पता है, अप मार्केट में कैसे काम करता है, डाउन मार्केट में कैसे काम करता है, तो आप अपनी टीम को इनवाइट करेंगे, आपने आपकी टीम ने कुछ क्वेश्चन पूछे और आपका ऑन द स्पॉट उसका आंसर दे दिया ना, तो जो नहीं ज्वाइन करता है वो भी ज्वाइन कर लेता है। तो ये कैसे होगा सर, अगर आपने ये बोला, उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आपने ये बोला इसमें थोड़ा सा मैं है ना अपने दोस्त से जो अपने अपलाइन है उनसे आपको कंफर्म करके बताऊंगा, या तो मैं आपको कल बताता हूँ या कंफर्म करके परसों बताता हूँ, दिमाग में डायरेक्ट एक ये चीज आएगी भाई इनको कुछ पता ही नहीं है यार। राइट सर, एग्री। प्लस और नेगेटिव पॉइंट छोटे छोटे होते हैं। तो मैंने जो मेरा फर्स्ट रेफर लिंक मैंने सेंड किया था वो मैंने 18 दिन के बाद दोस्तों को इन्वाइट करना स्टार्ट किया था। 18 दिन तक मैंने प्रॉपर मुरली सर के अकाउंट को चेक किया था कि कैसे अप मार्केट में ट्रेड करता है, कैसे डाउन मार्केट में ट्रेड करता है। मैंने अपना स्टडी किया, हाँ मेरे अंदर से ये फीलिंग आया कि भी हाँ मैं अपने जो नियर डियर है उनको इन्वर्ट कर सकता हूँ और मुझे 1% भी रॉयल क्यू से डाउट नहीं है। अगर छोटे मोटे रहेंगे तो मैं उनको साथ की साथ क्लियर करता जाऊंगा, लेकिन मैंने मेरा फर्स्ट रेफरल लिंक बाद में मैंने सबको इन्वाइट किया। मैंने मोहित भाई को, मिराज भाई को बाद में ही इन्वाइट किया था, जो गुप्ता जी उनको बाद में इन्वाइट किया था। अंदर से मुझे ये लगा कि हाँ मेरे लिए अच्छा है ये, और मैं जिसको इनवाइट करूंगा वो मेरी फेस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं और मैं अपनी फेस वैल्यू खराब नहीं करना चाहता। राइट सर, राइट। तो मैं सर एक मेरा क्वेश्चन ये था कि ये टेक्निकली हमें इस मीटिंग से मिलेगा या हमें कैसे हम इसको गेन करेंगे और कितने दिन लगेगा हमें इसको? संडे सर अपना जो टेक्निकल सेशन होता था मेन, वो डेली 3 बजे होता था। तो अभी जो पर्सनल मीटिंग है उनका शेड्यूल काफी बढ़ चुका है, तो दिन में वो मीटिंगें करनी पड़ती हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा क्लोज कर रखा है अभी के लिए, लेकिन वो जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन सैटरडे संडे का कर दिया है सेम टाइम, डेली सैटरडे संडे 9 बजे रहेगा, जैसे अभी चल रहा है। कल एंड्रॉइड जो अपनी एप्लीकेशन है रोलव्यू का, उसका एक्सप्लेन किया था, वो भी जो भाई नए हैं उनको मैं डाल दूंगा, अभी वो वीडियो भी डाल दूंगा, वो आप मीटिंग के बाद भी देख सकते हैं, प्लीज जरूर डालिएगा सर। और दूसरा सर, आज की मीटिंग का इस सेशन ऐसा रहता है, पहले वाले दिन तो जैसे जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसका एक्सप्लेनेशन होता है, बाद में जिसके क्वेश्चन आंसर बच जाते हैं तो नेक्स्ट डे उनके क्वेश्चन आंसर रहते हैं, किसको वो चीज समझ में नहीं आई, किसको क्या नहीं आई, क्या उसके क्वेश्चन आंसर है, तो उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं।
राइट राइट सर। और सर आप लोग सर 500 लोग लगभग होने को आ गए सर, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, चूंकि मैं नया हूँ, काफी लोग नए होंगे अभी इसमें, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ सर आपका फुल टाइम काम यही है, फुल टाइम आप सर रॉयल क्यू पे ट्रेडिंग करते हैं, फुल टाइम यही है सर कि और भी कुछ है सर लाइफ में? मतलब मैं किसान हूँ भाई, किसान हूँ, खेती करता हूँ। ओके, तकरीबन मैं बता दूं आपको, काफी दोस्त मेरे साथ जो पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं मैं किसान का लड़का हूँ और दबा के खेती करता हूँ। मैंने जो 3 बजे वाले टेक्निकल सेशन है वो ट्रैक्टर पे बैठे बैठे लिए हैं। That's great. और तकरीबन मेरे पास 3 ट्रैक्टर हैं, मैं खुद भी चलाता हूँ, अंकल भी चलाते हैं और वो भी चलाते हैं। तकरीबन ये मान के चलो गांव की कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1,000-2,000 किले की खेती करते हैं। जबरदस्त है सर। और तो ये ट्रेडिंग कब से, इसका कैसा है, कब से सर इसमें आप आए रॉयल क्यू में? और इसमें मैं 6 महीने से हूँ और तकरीबन 5-6 महीने से हूँ, और इससे पहले मैं जो बोट करता था एपीआई ट्रेडिंग करता हूँ वो 2 साल से करता हूँ। इससे पहले भी मैं एक बोट करता था उसको, लेकिन जो एपीआई ट्रेडिंग है उसको मैं 2 साल से करता हूँ, और इस फील्ड में मैं 2016-17 से हूँ क्रिप्टो फील्ड में। पहले तो भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी किए हैं। तो लास्ट वाला बोट आपने क्यों छोड़ दिया, लास्ट वाला बोट क्यों आपको उससे अच्छा है ये रॉयल क्यू कैसे लगा आपको, लास्ट वाला बोट क्यों छोड़ा? वो $1,200 एक साल की फीस लेता था और ये 120 लेता है। ओहो, ओके। और बाकी मंथली एवरेज 7-8-9-10 इतना निकाल के देता था, और इसका तो कोई अंदाजा नहीं है। मेरी टीम से एक महीने में डबल भी किए हैं, 1,00,000 के 2,00,000 भी किए महीने में। और अभी आपका रैंक क्या है सर? V4 है, अभी V5 के लिए चल रहा है। वेरी गुड सर, बताइए आपको मेरे से एडवांस में सर, आपको आप जल्दी V5 बने और हम लोग हैं उनको जल्दी टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग करें कि हम लोग और लोगों को जोड़े और आप लोग का और आगे जाए, ठीक है सर? गिरी भाई, मैंने प्रॉमिस किया है सबको स्टार्टिंग वाले दिन से ही कि जी। जो हमारी मीटिंग में आता है जी, टेक्निकल वे में 1% का भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है सबसे। किस भले ही कोई भी किसी की टीम से हो, ऑल इंडिया से हो चाहे कहीं से भी हो, सभी रॉयल क्यू फैमिली है, लेकिन टेक्निकल वे में मुझे जितना आता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, और किसी का टेक्निकल वे में 1 पॉइंट का भी कमी नहीं रहने दूंगा। मुझे नहीं पता होगा तो नेक्स्ट डे क्लियर करूंगा कंफर्म करके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, वेलकम। तो दोस्तों अगर कोई भी किसी के क्वेश्चन आंसर हैं कल के टेक्निकल सेशन के रिगार्डिंग, कुछ समझ में नहीं आया तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं, मीटिंग लिंक भेज दीजिए। और इतने मैसेज मीटिंग लिंक के रिगार्डिंग, इतने मैसेज, एक सेकंड होल्ड करो भाई। सॉरी दोस्तों, ये जो आपने मैसेज किए हैं ये आईडी मैंने फोन में ओपन कर रखी है, और माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा लंबा बात हो गया था उस वजह से देख नहीं पाया। अब भी ऐसे 1 सेकंड में ही आपको वो कल की मीटिंग का लिंक सेंड करता हूँ। कल जो टेक्निकल सेशन हुआ था उसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। अब नॉर्मल ऑपरेशन क्या है दुल्हन से? जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है भाई, एक नंबर सॉलिड क्वेश्चन पूछा है आपने। अभी क्लियर करता हूं अब नॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है, और उसका लिंक भी डालता हूं। उसको मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है वो आप देख सकते हैं, उसका भी देता हूं, लेकिन जो अभी कल का जो सेशन था उसका लिंक डाल देता हूं। ये जो अभी लिंक डाला है ये कल के सेशन का था, जो भी नए यूजर हैं इसको कॉपी करके रख सकते हैं, मीटिंग के बाद देख सकते हैं। हाउ टू स्विच सर्कल, चंचल भाई स्विच सर्कल पहले वाला जो ज्वाइन किया है उसकी स्ट्रेटेजी को कैंसिल कीजिए, स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। आपने कोई सर्कल ज्वाइन कर रखा है? जैसे मैंने ये सर्कल ज्वाइन कर रखा है, और आपको इस सर्कल को स्विच करना है, दूसरे सर्कल में ज्वाइन करना है।
सर्कल पे जाएंगे, कोई भी सर्कल जो ज्वाइन कर रखा हो या करना हो, अगर कर रखा है तो माइंड पे जाएंगे, माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी करेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल करने के बाद जो भी आपके कॉइन यहां पे हैं उनको आप वन शॉट कर देंगे। ये वन शॉट कर देंगे और स्टॉप मार्जिन को कर देंगे बंद। तो जैसे ही ये जो भी कॉइन बाय हुआ है इस एवरेज प्राइस से आके और जो हमने बोट को कमांड दे रखी है, ये प्रॉफिट टेक रेशियो 1.2 का प्रॉफिट लेते ही वो इस कॉइन से एग्जिट हो जाएगा वन शॉट करने के बाद और इसमें एंट्री नहीं लगा। इस तरह से आप इसको वन शॉट करके बाहर आके और दूसरा सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा सर्कल ज्वाइन करने का सेम प्रोसेस है जैसे आपने पहले किया था किसी भी सर्कल को। इस तरह से आप अपने सर्कल को स्विच कर सकते हैं दूसरे सर्कल में, एक सर्कल को छोड़ के जो भी आपको अच्छा लगे। रॉयल क्यू का काम सिर्फ ट्रेडिंग करना ही है, बिलाल सेफ। हाँ भाई, ट्रेडिंग ही करता है, उसका काम यही है। आपने एक बार उसको कमांड देके छोड़ दिया, 24 घंटे वो आपके फंड की ट्रेडिंग करता रहेगा। सर अगर नए हैं तो मैनुअल सेटिंग बेस्ट है या सर्कल? सर अगर आप नए हैं तो मेरे हिसाब से सर्कल ज्वाइन कीजिए और एक या दो दिन या भले ही आप एक दो कॉइन में ट्रेड लगा के स्टार्ट कीजिए, उनको चेक कीजिए कैसे काम करता है। साथ के साथ अपने जो जिनको आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे राय लीजिए कि ये अप मार्केट में ये कैसे काम करता है, डाउन मार्केट में कैसे काम करता है और जितने भी ये इनके ऑप्शन है जैसे सम इन मोड है, वन शॉट है, मैनुअल बाय है, मैनुअल सेल है, स्ट्रेटेजी मोड है, वो कैसे लागू होता है वो समझ लीजिए, फिर आप अपना खुद का मनपसंद किसी भी कॉइन में खुद भी ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में सर्कल ज्वाइन कीजिए मेरे हिसाब से, बाकी आप करना चाहो तो कर भी सकते हैं। सर वन शॉट के बाद क्या ये सिर्फ प्रॉफिट में ट्रेड निकालता है? हाँ भाई, आशीष रावत। हाँ आशीष भाई, वन शॉट का मतलब ये है, मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। जो हम वन शॉट करते हैं, मान लो ये मेरा ट्रेड चला हुआ है और मैंने यहां पे इसको वन शॉट कर दिया, हो गया वन शॉट और यहां पे ये दिखा भी देगा कि वन शॉट हो गया है। अब मेरा ये ट्रेड, ये जो एवरेज प्राइस है, इस एवरेज प्राइस से 1.2 का प्रॉफिट निकाल के हमें ये एग्जिट हो जाएंगे इस कॉइन से और ये हम इस कॉइन में वापस नहीं आएंगे। फिर वन शॉट का मतलब ये है, वन शॉट किया है तो आपने टेक प्रॉफिट जो दे रखा है, ये जो टेक प्रॉफिट दे रखा है ना, इस प्रॉफिट से प्रॉफिट देके ही बाहर निकलेगा। जब तक ये इस एवरेज प्राइस पे नहीं आएगा तब तक ये होल्ड रहेगा। ठीक है, सर होबी के बारे में जानकारी चाहिए, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र भाई, होबी जब तकरीबन एक महीने पहले वर्ल्ड का नंबर 2 एक्सचेंज था वॉल्यूम के, और अभी थोड़ा सा डाउन आ चुका है। आप होबी के बारे में जानना चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब भी कर सकते हैं, अगर बताने लग जाएंगे तो काफी टाइम निकल जाएगा। बेस्ट तरीका है आप गूगल और यूट्यूब सर्च कीजिए या फिर आप जाइए, मैं आपको बता देता हूं। वो भी नहीं, किसी भी एक्सचेंज को अगर आपको जानना है कौन सा किस रैंक पे चल रहा है तो सिंपल सा अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और सर्च कीजिए कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप करने के बाद आप जो तीन लाइनें हैं इन पे क्लिक कीजिए, ये जो तीन लाइनें हैं इन पे क्लिक करेंगे। इन पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एक्सचेंज का ऑब्जेक्शन है, ये एक्सचेंज, एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे, स्पोर्ट, स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, स्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे एक्सचेंजों की लिस्ट आ जाएगी, कौन सा नंबर 1 पे है और कौन सा किस नंबर पे है। नंबर 1 पे चला हुआ है बाइनेंस,
और नंबर टू पे है कोइनबेस एक्सचेंज, एफटीएक्स, क्राकेन, crypto.com, कुकॉइन, हुओबी। हुओबी ग्लोबल आता है सातवें नंबर पे। अब इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, इसका वॉल्यूम कितना है, ये इसका वॉल्यूम है, ये रहा, ये इसका वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम रहता है 24 घंटे में। और डिफरेंस देखें यहां पे बाइनेंस एक्सचेंज का, तो देखिए यहां पे डिफरेंस देख सकते हैं कितना वॉल्यूम है। दूसरे नंबर पे आता है कोइनबेस, इसका वॉल्यूम इतना है। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री ऐसे चलते हैं, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल लेनी है तो हुओबी ग्लोबल की, तो इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कितने पेयर ट्रेडिंग पेयर हैं, इसके कितने कौन कौन से कॉइन लिस्ट हैं, कितने पेयर किस किस पेयर में लिस्ट हैं, इनकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लोड मोर करके और जा सकते हैं और इनकी पूरी डिटेल मिलेगी। इसकी साइट ये है, ये इसकी साइट है, ये ऑफिशियल इनके ट्विटर और अदर अकाउंट है ऑफिशियल, इनको आप ज्वाइन करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी एक्सचेंज को देख सकते हैं, कौन सा नंबर वन है, नंबर टू है और उसके रिगार्डिंग। सर मैनुअल बाय न्यू टेक्निकल बताइए सर। स्वरूप गोदारा जी, सर समझा नहीं आपने क्या बोला, मैं थोड़ा सा समझा नहीं, आप क्वेश्चन को फिर से कहेंगे बताएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। भाई जी क्या सर्कल के फर्स्ट बाइंग इन अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, प्रदीप सांगवान। हाँ प्रदीप भाई, कभी भी चेंज कर सकते हैं आप। जैसे आपने 10 डाला है तो आप उसको 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्कल ज्वाइन कर रखा है तो बाद में वो चेंज हो जाएगा, उस सर्कल के अकॉर्डिंग ही चलेगा भाई वो, ठीक है। मान लो सर्कल वाले ने 20 डाल रखा है, 10 डाला, फर्स्ट बाइंग अमाउंट तो आप पे डिपेंड होता है, लेकिन उसकी सेटिंग है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जब आप सर्कल ज्वाइन करने जाते हैं तो हर एक सर्कल का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में पहले चेक कीजिए कि उसको एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए कितने यूएसडीटी की जरूरत है और फर्स्ट बाइंग अमाउंट कितना डालना है। तो हर एक सर्कल और ग्रुप का वहां पे मेंशन होता है, तो किसी भी सर्कल को ज्वाइन करते हैं तो उसको पहले चेक कीजिए कि उन्होंने कितने डॉलर पे कितना फर्स्ट बाइंग अमाउंट दे रखा है। अगर उनके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग भी आप सेट करेंगे तो बेस्ट रहेगा, और कभी आपका ट्रेड है का स्टक होने का कम चांस रहेगा। बोमरा सर मेरा क्वेश्चन लेना, भाई क्वेश्चन डालिए ना। प्रदीप सांगवान भाई ने हैंडेज किया है सबसे पहले, प्रदीप भाई अनम्यूट किया है आपको। नमस्कार भाई जी। नमस्कार प्रदीप भाई, कैसे हैं? बस ठीक है भाई जी। वो ही पूछ रहा था, वो फर्स्ट बाय इन अमाउंट उसमें क्रिप्टो बुल में था 20 का दे रखा उसमें। हाँ तो उतना ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उसमें वो बहुत ज्यादा वो चाहिए पोर्टफोलियो, मुझे पता नहीं था वो 20 का डाल रखा उन्होंने, मैं 47 को 10 या 15 कर दूं। देखिए जब आप कोई सर्कल ज्वाइन करते हैं तो हर सर्कल का एक जो ग्रुप होता है वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी का स्क्रीनशॉट डाले हुए बैठे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो आप उनको कह सकते हैं कि हमने आपकी स्ट्रेटेजी को ज्वाइन किया है तो हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए इसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि जो भी सर्कल को हैंडल करता है ना वो स्ट्रेटेजी लगाता है, तो वो नए डेली नए नए विचारों पे काम कर रहा होता है और वो चाहता है कि इस मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी, तो वो हमसे ज्यादा सोचते हैं। हम तो अपनी अपनी ट्रेड के लिए सोचते हैं, लेकिन उनको ये रहता है कि मैं अपना जो वॉल्यूम है
उसको थोड़ा सा और ऊपर लेके आऊं, कोई नंबर वन चल रहा है, कोई नंबर टू चल रहा है, कोई नंबर थ्री है और कोई दसवें नंबर पे है, तो जो दसवें नंबर पे है वो चाहेगा ना कि मेरा सर्कल नंबर वन आए, तो वो भी अपना ऐसा नहीं है कि एक बार लगा के छोड़ दिया, जो वो काम नहीं करते हैं, बैकएंड में उनका कल भी काम चल रहा रहता है, वो चाहते हैं कि हम अपने यूजर को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करके दें। अच्छा, वो चेंज करते रहते हैं मार्केट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से? हाँ, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, वो 20 लग रहा है उसमें, फिर टोटल करके देखते हैं ना, वो शायद 1200-1300 के करीब चाहिए उसमें यूएसडीटी। क्या चाहिए वो टोटल भाई, इतना वो पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें, वो था कम हुआ इसलिए मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, हो जाता हो तो। हाँ, चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ हो जाएगा चेंज, कर सकते हैं आप उसकी स्ट्रेटजी को कैंसिल करके दूसरा सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं प्रदीप भाई। हाँ चलो ठीक है भाई जी। शेख फरहान पूछ रहे हैं भाई, रॉयल क्यू के डिपॉजिट एड्रेस पर अगर गलती से कोई कॉइन सेंड हो गया हो तो क्या होगा? कोई कॉइन अगर दूसरा कॉइन सेंड किया है तो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है भाई। बाइनेंस से सेंड किया है तो बाइनेंस 5-7 मिनट के लिए, 5-7 मिनट तक एक ऑप्शन दिए रहता है विड्रॉल हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे कैंसिल करने का, तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अब अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो वो रिटर्न आ जाता है, नहीं तो अदरवाइज कोई मेरे हिसाब से कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। अगर बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है, जो उनका वॉलेट है, अगर वहां से कट चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, तो कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर आप रॉयल क्यू से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर रॉयल क्यू के एड्रेस पे दिया है वो आपके फंड को रिटर्न कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। मैंने कभी किया नहीं है, अदर एक्सचेंजों पर किया है, मान लो जैसे मैंने वजीरक से बाइनेंस पे सेंड किया और कहीं मेमो कार्ड डालना भूल गया या कुछ गलती कर दिया, तो हम दोनों एक्सचेंजों से बात करके वो रिटर्न कर देते हैं, वो ऐसा हुआ है और एक केस अभी भी चल रहा है 50,000 के फंड का, किसी मेरे दोस्त हैं एक, उन्होंने XRP सेंड किया था और वो मेमो कोड गलत डाल दिया, अब वो 50,000 का वहां पे फंड है। मैंने बाइनेंस एक्सचेंज को, एक दोस्त है उनसे को भी बोला, उन्होंने मैसेज मेल किया, उन्होंने अपनी तरफ से सेंड कर दिया, अब बारी है वजीरेक्स की, तो वजीरेक्स से कंफर्म करेंगे कि उन्होंने आपकी इस वॉलेट पे सेंड कर दिया वापस, आप वो देखते हैं किस तरह से। तो इस तरह से मैंने 5-7 केस हैंडल किए हैं और उनका सोल्यूशन हुआ गया एक्सचेंज टू एक्सचेंज। अब आपने कहां से सेंड किया है रॉयल क्यू से, पहली बात तो ये है, अगर बाइनेंस से सेंड किया है तो वहां पे चेक कीजिए वजीरेक्स से किया था रॉयल क्यू में। हाँ, तो पहले शेख भाई रॉयल क्यू, पहले तो वजीरेक्स के अकाउंट से चेक कीजिए, जो अकाउंट सेंड करने के बाद आपके पास एक टेक्स्ट आईडी आती है ट्रांजेक्शन डिटेल, उसमें जाके पहले चेक कीजिए कि वो सक्सेस हो चुका है, फिर उनसे कंफर्म कीजिए कि वो इसको कैंसिल कर सकते हैं नहीं, तो मेरे हिसाब से कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इनके अकाउंट से कट चुका होगा। फिर आप बात कीजिए रॉयल क्यू के डिपार्टमेंट में, जो रॉयल क्यू को हम फीडबैक डालते हैं वहां पे जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं, आप उनमें जाके और ऑप्शन होते हैं उसमें बाई मिस्टेक से कुछ हो, काफी आपके आफे भी मिलेगा और क्वेश्चन आंसर में, तो वहां पे आप बात कर करके वो स्क्रीनशॉट डाल देना अगर मांगे तो, और फिर उनका रिप्लाई देखना क्या आता है, हो सकता है वो कर देंगे सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है रॉयल क्यू का। सर अगर किसी सर्कल को ज्वाइन किया हुआ है पहले से और उसको क्यूट करके कोई और सर्कल ज्वाइन करते हैं तो क्या उसमें लॉस होगा अगर पहले वाले सर्कल में फ्लोटिंग लॉस चल रहा है? हाँ भाई, अगर आपने पहले कोई सर्कल ज्वाइन कर रखा है और उसमें फ्लोटिंग लॉस चल रहा है, अगर आप उनको कॉइन को लाइव रेट में सेल करते हैं तो फ्लोटिंग लॉस तो होगा ना भाई। आप उनको ट्रेड को स्टॉप करके और बाकी जो आपका फंड बचा है उससे दूसरे सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं, एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि आपका जितने भी कॉइन बाय हुए हैं उनमें से जो जो कॉइन ज्यादा बाय हुआ है उसमें से 50% अमाउंट को सेल कीजिए और जो 50% बचे उसी अकाउंट, उसी अमाउंट में रहने दीजिए और उस अमाउंट से आप दूसरा ट्रेड लगा सकते हैं। सर्कल ज्वाइन करना लाजमी है? नहीं भाई, कोई लाजमी नहीं है, आप मैनुअल ट्रेड भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर आपको पता है
ट्रेड कैसे लगाया जाता है? सर वन शॉट में 1.2% के बाद ट्रेड बंद कर देगा या जितना ऊपर जा रहा है जाने देगा? हाँ जाने देगा ना भाई, जितना आपको प्रॉफिट होगा उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट वो आपको निकाल के देगा। ऐसा नहीं है 1.2 होते ही वो आपको एग्जिट हो जाएगा। उसके साथ हम एक कमांड और देते हैं ना कि 1.2 का प्रॉफिट होए और जैसे ही 1.2 से 0.2 डाउन आए तब उसको सेल करें। अगर वहां से मार्केट और ऊपर जाता है तो बोट आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेगा। राज दुलवा, राज सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं भाई? एकदम बढ़िया सर, मैं आपके नजदीक का ही हूँ और वैसे राजस्थान में हूँ मैं। सतनाली अच्छा। आपने सुना होगा सतनाली? अरे पड़ोसी हैं भाई 20 किलोमीटर भी नहीं होगा मेरे यहाँ से। कभी मौका मिलेगा तो आपसे मिलने का, सहयोग बैठेगा तो मिलेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल राज भाई, बिल्कुल मिलना। और सर फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करूंगा कि जो स्ट्रेटजी मोड में 3 ऑप्शन आते हैं अपने, तो इसको थोड़ा सा एलोबोरेट कर दीजिएगा सर प्लीज। स्ट्रेटजी मोड में, ठीक है जी। ये है आपका स्ट्रेटेजी मोड, ठीक है जी। ये क्या होता है, सबमिट मोड इसको हम आमतौर पे बोलते हैं स्ट्रेटेजी मोड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई, 2 ऑप्शन दिखाई और देंगे, सबमिट मोड और रियल सबमिट मोड, रियल टाइम सेटलमेंट, ठीक है। इस ऑप्शन के बारे में आप कितना जानते हैं पहले वो बताइए। राज भाई मैंने आपको फ्यूल अनम्यूट किया है जी। जी मेरे को ज्यादा पता नहीं, मेरे को कुछ ज्यादा पता नहीं, बस थोड़ा सा आइडिया सा है, मैं थोड़ा कंफर्म करने के लिए आपसे पूछ रहा था। जैसे कि लास्ट वाला ऑप्शन है ना, करके तो हम वही रखते हैं सब लोग, लेकिन इसमें जैसे कि शुरू के 4 कॉल जब हो गए तो उसका अलग से एवरेज करेगा और आगे के कॉलों का फिर वो अलग से करेगा। ज्यादा मेरे को पता नहीं है। अगर हमने देखिए ये यहाँ पे 1 इंच है जी, 1 इंच माइनस तकरीबन 3.5% डाउन है यहाँ पे, 3.6। अगर हमने सबमिट मोड एक्टिवेट कर रखा है और पांचवी मार्जिन कॉल के बाद जब सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाता है जी, और जो पांचवी मार्जिन कॉल के बाद जिस भी मार्जिन कॉल पर रहेगा उस अमाउंट का हमें ट्रेड करके देगा, इतना तो पता होगा आपको। हाँ। वो जब ट्रेड करेगा अगर सबमिट मोड एक्टिवेट कर रखा है तो उस ट्रेड से ये कम होगा मार्जिन कॉल -3, ये कम होता जाएगा। जैसे ही एक ट्रेड लेगा आपको प्रॉफिट होगा तो वो इस मार्जिन कॉल को कम करता जाएगा। अगर आपने सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट ऑन कर रखा है तो वो इसको कम न करके वो जो आपका प्रॉफिट है वो डायरेक्ट यहां पे रेवेन्यू में शो करेगा। ओके। वो उस मार्जिन कॉल को मार्जिन को कम नहीं करेगा, वो प्रॉफिट आपके प्रॉफिट आपको दोनों में होगा लेकिन वो एवरेज करेगा और यहाँ पे रियल टाइम सेटलमेंट में आपका यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, रेवेन्यू में शो करेगा और कोई फर्क नहीं है, यही है बस। लेकिन अगर आपने सबमिट मोड एक्टिवेट कर रखा है तो आपको 5 मार्जिन कॉल के बाद इसको आप हटा नहीं सकते। जैसे यहाँ पे 5 मार्जिन कॉल है और मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी मोड में जाके और सबमिट मोड करता हूं और कंफर्म करता हूं तो ये 5 मार्जिन कॉल के बाद 6 मार्जिन कॉल जैसे ही उठाएगा चेंज नहीं होगा ये। यहां से जैसे वोल वेयर हाउस मोड है इसको हम कंफर्म करेंगे तो अभी देखिए नोटिफिकेशन आएगा, मैं इसको फिर से कंफर्म करता हूं, ये चेंज नहीं होगा। जैसे सबमिट मोड से मैं वोल वेयर हाउस मोड पे क्लिक करके कंफर्म करता हूं तो देखिए ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसने 5 मार्जिन कॉल उठा रखी है।
ये हम इसको रियल टाइम सेटलमेंट में कंफर्म करके और इसको चेंज कर सकते हैं इन दोनों को, लेकिन इनको हटा नहीं सकते हैं वोल्ट वेयरहाउस मोड में। अगर आपका पांचवा मार्जिन कॉल उठा है तो आप हटा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर चार मार्जिन कॉल आपने बाय मिस्टेक ये लगा नहीं रखा है, सबमिन मोड एक्टिवेट नहीं कर रखा है, अगर चार पांच मार्जिन कॉल हिट हो गई है तो फिर आप इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। पवन पटेल, पवन सर कैसे हैं? अनम्यूट को ऑप्शन दिया आपको। सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया पवन भाई। सर मेरे को ये जानना था, जैसे अभी मार्जिन कॉल कैसी, मेरे को एक्चुअली सबमिन मोड के बारे में जानना था, अभी आपने बताया मगर फिर भी मेरे को दिमाग में नहीं बैठा। अच्छा अच्छा, आप ट्रेड सेटिंग के बारे में जानते हैं? सर ट्रेड सेटिंग के बारे में एक्चुअली ना के बराबर जानते हैं, वो करीबन ढाई महीना हुआ है। ढाई महीना हो गया और ट्रेड सेटिंग के बारे में नहीं जानते पवन भाई? सर ढाई महीना हो चुका है और करीबन करीबन $7,500 मैंने लगाए हैं, फ्लोटिंग लॉस $3,000 चल रहा है। कितना फ्लोटिंग लॉस चल रहा है? 3,000। तो आपने जो आपके दोस्त हैं उनसे नहीं पूछा कि फ्लोटिंग लॉस चल रहा है इसको कैसे कम करें? सर उनसे पूछा मगर एक्चुअली कम करने के लिए भी वो बोल रहे और फंडा नहीं। अगर आपका ट्रेड स्टक है और आपका एस्टिमेट वैल्यू ऑफ डॉलर जितना भी ओवरव्यू में दिख रहा है उसी से आप नए ट्रेड की स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करें सर? बस थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। मान लो आपका अभी फंड है बाइनेंस एक्सचेंज में, मान लो आपने 7,000 लगाया और वहां पे दिखा रहा है 5,000, ठीक है? अभी 4,000 चिल्लर दिखा रहा है। 4,000 है अभी वहां पे, क्योंकि मार्केट डाउन आया है। ये आपका नहीं, सभी का, मेरा भी इतना ही डाउन आया है, मार्केट अप डाउन तो चलता रहता है, लेकिन मान लो आपका वहां पे ट्रेड $7,000 में भी ट्रेड स्टक है या ट्रेड चल रहा है? सर $7,500 लगाया टोटल है। उसमें सर क्या हुआ, मैंने एक्चुअली थोड़ी तो मैंने खुद ही एक्चुअली क्या हुआ, एक एक ट्रेड में $1,000 लगा दिया। एक एक ट्रेड में $1,000? दो ट्रेड में सीधा, दो तीन ट्रेड में लगा दिया $3,000 तो, और वहां से वो मार्केट आ गई नीचे, जैसे ऑट ही है समझ लो, तो मैंने ऑट में लगा दिया $1,500। ये गलती कर रखा है। वो गलती सर ऐसे हुई थी जब 24 तारीख की जो न्यूज आई थी ना, क्रिप्टो बैन प्रतिबंध होगा, ये होगा वो होगा, तो वो दिन पैनिक हो गया था सर। तो मैं एक्चुअली क्या हुआ, एवरेज करने के चक्कर में 4-5 कंपनी को मैंने बाहर निकाला, फिर वो जितना ही वो फंड इकट्ठा हुआ तो ऑट को मैं एवरेज करने गया, तो वहां पे ऑट जब था 1.20 कुछ चल रहा था, अभी तो 72 पे चल रहा है। तो वहां पे वो पूरा फंड जैसे जैसे एक एक फ्री करते गया, 25 तारीख को तो मैंने 5-6 कंपनी वहां पे फ्री कर दी, तो वो फंड जितना भी था वो सब एक ही उसमें पूरा स्ट्रक हो गया और वहां से कंटिन्यू माइनस में ही है। तो अब उसको मैं कैसे निकालू, अभी और मैं फंड भी नहीं डालना चाहता हूँ एक्चुअली। हाँ देखिए, यहाँ पे आप अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं उसका थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका ही नहीं काफी दोस्तों का होगा। सर लगभग समझो 1 तारीख, तो भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज बंद हो गया आपका, आपने आपको म्यूट कर लिया गया आपने। सर सुन रहे? हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ सर वही मैं ये बता रहा था, 1 तारीख से 19 तारीख यानी कि आज 20 दिन हो गए लगभग लगभग मोटे मोटे तौर पे, तो 20 दिन में मेरा बेनिफिट आया है सर टोटल $58। टोटल 1 तारीख से लेके 19 तारीख तक। और आपका पोर्टफोलियो है तकरीबन 7,500 $7,500 का, बहुत ही वो गब्बर वाली बात है ये तो, ना इंसाफ। अब क्या करूं, आपको आपके अप्लाई ने जो दोस्त है उन्होंने गाइड नहीं किया?
सर उन्होंने बोला कि अभी इसे और वापस फंड डालोगे तो एवरेज कर सकते हैं करके उन्होंने बस ये बताया। हाँ, बोला भी अभी मैं फंड नहीं डाल सकता हूँ। उनकी बात भी सही है कि हम फंड डाल के एवरेज कर सकते हैं। ठीक है सर, एवरेज करने के चक्कर में ही मैं ज्यादा फंसा हूँ सर। रियल बात ये है कि मैं जैसे जैसे एवरेज करने गया वैसे वैसे वो माइनस आती गई और एवरेज वहां से नीचे, यानी फ्री हुआ ही नहीं मैं। अभी आगे से जो नए यूजर हैं, हाँ जी, जो नए यूजर हैं अभी ये बीटीसी लग रही है हाँ सर, बताइए बताइए। जो एवरेज करने जा रहे हैं उनको नहीं पता है कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। ठीक है जी, उनका टोटल ट्रेड स्टक हो चुका है। जी, तो वो क्या करें? पहला काम तो ये है कि उनको एक एक कॉइन सिलेक्ट करें और एक एक कॉइन में ट्रेड लगा के ऊपर लेके आए और एज कैसे करें। मान लो ये 1 inch है, ठीक है, और यहाँ पे मैनुअल बाय करके मैं मार्केट प्राइस से यहाँ पे बाय करता हूँ $200 का। यहाँ पे मेरा -3 से -1% रह गया जी। और ये $200 का बाय करते ही मान लो मार्केट और डाउन आ गया तो मेरा ये $200 भी स्टक हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये ऐसे ही हुआ है मेरे साथ में। हाँ सर, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ये $200 का मैनुअल बाय करने की बजाय मान लो यहाँ पे मेरे 4 मार्जिन कॉल हिट है, आउट है ना, तो मुझे 9वीं मार्जिन कॉल में जाना है। यहाँ गए 9वीं मार्जिन कॉल, ये 8 हिट हो चुके हैं और ये 9वीं मार्जिन कॉल है, इस पे मैंने यहाँ पे 1 की जगह 5 डाल दिया और फिर इस पे 5 डाल दिया, फिर इस पे 5 डाल दिया, फिर इस पे 5 डाल दिया और इनको थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया 2%, 3%, 4%। मान लो मार्केट डाउन आया है और उससे मार्केट और एकदम से कितना डाउन आएगा, यहां से टोटल डाउन चलेगा 3, 2, 5, 4, 9, 5, 14% मार्केट और डाउन होता है। तो यहाँ पे बोट क्या काम करेगा, ये जो आपने $50 का डाला है ये 9वीं मार्जिन कॉल को हिट करेगा और यहाँ से न तो डाउन जाता है न अप जाता है, तो इस कम से कम इस $50 का तो ट्रेड करेगा ना सबमिन मोड के द्वारा। फिर यहाँ और डाउन आता है तो फिर ये $50 का उठाएगा, और डाउन आता है तो इसका उठाएगा। मतलब ये जो $200 है ये हमारे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे सबमिन मोड के द्वारा। हाँ सर, ये अभी जैसे 9वीं कॉल पे $50 समझो यहाँ 5 डॉलर $50 लिया है तो 50 लेके ये यहाँ पे एवरेज देता, यानी कि बेनिफिट देता जाएगा। एवरेज तो करेगा ही करेगा, मान लो जो आपका जो पहले से ट्रेड चल रहा है, मान लो यहाँ तक जो भी एवरेज प्राइस बना, अभी मान लो यहाँ पे मेरा चल रहा है, ये तो है करंट प्राइस, नहीं सॉरी, ये तो है करंट प्राइस और ये है एवरेज प्राइस। अभी करंट प्राइस पे वो 9वीं मार्जिन कॉल को हिट करेगा $50 का, तो इस एवरेज को थोड़ा सा और ऊपर लेके आएगा ये इसको, ठीक है, इस एवरेज को भी थोड़ा सा ऊपर लेके आएगा। साथ ही साथ अगर मार्केट और डाउन जाता है या न तो ऊपर जाता है न और डाउन जाता है, तो ये जो 9वीं मार्जिन कॉल पे $50 का बाय करेगा तो इसका एक ट्रेड और स्टार्ट हो जाएगा और इस $50 का और सेल बाय करता रहेगा। अगर हमने यहाँ पे बाय करके 200 का 200 पूरा डॉलर मैनुअल बाय के पे डाल दिया और मार्केट डाउन चला गया तो वो भी लॉक हो जाएगा $200। तो उसकी बजाय ये तरीका बेस्ट है मेरे हिसाब से कि आप मार्जिन कॉल में जाके और आप मार्जिन कॉल में जो भी मार्जिन कॉल लगी है उससे नेक्स्ट 2-3 मार्जिन कॉल में वो फंड को डाल दीजिए। ये आइडिया सही है सर। अभी एवरेज क्या कर सर, मेरा एवरेज लगभग हर जितने कॉइन लगाए मैंने मिनिमम 50 प्लस से ऊपर माइनस, यानी कोई 58 है, कोई 62 है, कोई 68 में है, इतना परसेंटेज माइनस है, वहां पे कहाँ कॉल एवरेज करूं मैं। ये तरीका कीजिए अगर आपके पास अभी और फंड अवेलेबल जो भी 100, 200, 300 जो भी डॉलर है और एक एक कॉइन को ऊपर लेके आइए, बाकी जो ट्रेड बाकी जितने भी कॉइन चल रहे हैं उनकी मार्जिन कॉल को स्टॉप कर दीजिए।
अभी जैसे जो अभी जो बोल वो भी है ठीक है, बाकी एक दो मेरे उन्होंने बोला सीनियर ने कि यहाँ तो ऐसे करो 50% सेल कर दो। मैं बोला 50% सेल कर रहा हूँ तो लगभग हर एक कॉइन में मेरा 100 से 125 डॉलर माइनस है, यानी सीधा सीधा वहीं पे 50-60-70 डॉलर निकल जाएंगे। क्योंकि मेरे जो भी कॉइन है सब कॉइन टोटल एवरेज यानी कि 50 के ऊपर ही माइनस है, 50%, 58%, 60%, 62% वैसा है सब। नहीं मैं डाउन मार्केट में मेरे हिसाब से आप मैनुअल उस तरह बाय न करके अगर इस तरह से हैंडल करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी होगा और आपका जो है वो एवरेज भी होगा। ठीक है सर। ठीक सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। टेक्निकल मीटिंग का लिंक दीजिए ना संजय कुमार। संजय भाई डाल रखा है, नहीं मिला क्या आपको? मैं फिर डाल देता हूँ। कल की टेक्निकल का है जो अभी चल रही है, अभी जो चल रही है इसका तो मैंने ना तो लाइव किया है ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है यार। मैंने सोचा क्वेश्चन आंसर होंगे तो क्या उसका लाइव करना, अगर कल की मीटिंग का चाहिए तो मैं अभी ये लो डाल देता हूँ फिर से आपको। ये डाल दिया है, ठीक है। और इससे रॉयल क्यू से रिलेटेड अपडेट जो है दोस्तों वो हमेशा मीटिंग अरेंज नहीं होता है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक डाल देता हूं, अगर वहां पे हैं आप अवेलेबल तो ठीक है, नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, ये डाल दिया है मैंने, आप इस पे आके और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे मैं कौन सा कॉइन बाय करना है रहता है, सेल करना है रहता है, या क्रिप्टो से रिलेटेड प्रोजेक्ट रॉयल क्यू से रिलेटेड मैं डालता रहता हूँ। सर आज का चाहिए था भाई करण भाई, करण है कि किरण है पता नहीं, मैम है। आज का तो मैंने किया नहीं है, मैम है कि करण है कि किरण है, किरण मैम आज का तो नहीं किया है, न तो लाइव है ये और नहीं वो है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन आंसर रहते हैं तो आप मुझे बताइए, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूं एक बार। आप अनम्यूट हैं, आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप कर सकते हैं। आज का तो सॉरी लाइव नहीं कर पाया, नहीं इसका रिकॉर्डिंग किया है। अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप अनम्यूट करके बात करना चाहो तो कर सकते हैं। सर मेरा ले लो प्लीज, एक सेकंड भाई आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। ये भाई हैं मोहम्मद साफ, मोहम्मद भाई अभी लो। भाई मोहम्मद साहब नादफ अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर जी गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया है सर। बढ़िया मजे, क्योंकि आपका कभी मीटिंग लेते रहते हैं ना तो आपका मजा लेते रहते हैं सर, बहुत मजा आता है आपका मीटिंग सुनने के लिए। क्योंकि पीछे से कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। आप स्पेशल रख के लोगों को बोलते हैं ना तो उसके लिए आपके ऊपर प्यार हो गया हमको। क्या समझा नहीं क्या बोला आपने? आप स्पेशल सर के लोगों को समझाते हैं ना बार बार भी पूछेंगे तो उसके लिए हमको आपसे मोहब्बत बहुत बढ़ गई है सर। अरे बस तो भाई का प्यार है। हम तो अभी तक एक भी आपको क्वेश्चन पूछा नहीं है सर। ओके ओके, लोगों का सवाल जवाब दे रहे ना तो उसके लिए हम संतुष्ट है सर। ओके ओके, उनसे भी आप सीख रहे होंगे साथ की साथ। मैं तो अभी तक एक भी सवाल जवाब किया नहीं आपके साथ, लेकिन सुनता हूँ ना तो वहीं पे क्लियर होते रहता है कभी कभी, लेकिन मैं कभी हैंड रेज कर के थका हूं कभी, तो मेरा हैंड रेज हुआ ही नहीं अभी तक लिया नहीं, तो उसके लिए आज मैसेज डाला तो आप ले लिए। पहले मीटिंग में इतने क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 500 लोग हैं तो हर का तो नहीं लिया जाता ना यार। सही है, एक नंबर वाइज लेते हैं, पॉसिबल होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम हैंड रेज किए हैं उनके क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश करें। और काफी दफा क्या होता है, मान लो 50 लोगों ने हैंड रेज किया है और 10 का क्वेश्चन आंसर हुआ है, तो मोस्टली 50 लोगों को सेम क्वेश्चन रहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनमें भी क्लियर हो जाते होंगे मोस्टली। सही बात है, सही बात। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, तो मेरे को स्मॉल असेट्स को जो कन्वर्ट करते हैं ना सर बीएनबी में,
जब भी मेरा रॉयल क्यू में ट्रेड चलता रहता, रॉयल क्यू में बाय सेल चलता रहता है कि वहां से उस कॉइन से एग्जिट होके अलग कॉइन में हम जाते हैं तो कुछ असेट्स वहां पे बच जाता है बाइनांस में, छोटा सा, हाँ थोड़ा सा, एक एक डॉलर आपको मिलेगा 0.001 0.002 ऐसे करके मिलेगा। नहीं वो भी होता है सर, अगर मैनुअल अगर सेल करते हैं ना उस टाइम पे ज्यादा बच जाता है एक्चुअली, मैनुअली अगर हम सेल करें, मैनुअली सेल करते समय में ज्यादा बचता है। इंडियन रुपए में बताऊं, 2 रुपए का 3 रुपए का 4 रुपए का 5 रुपए कैसे बचते हैं, और वो हर कॉइन में बचेंगे आपको, जो भी बाइनेंस कॉइन में आप नए कॉइन में ट्रेड लगाएंगे ना तो वो बाइनेंस रखता ही रखता है कुछ, बस नाम मात्र की। नहीं सर ऐसा ही होते होते बढ़ जाता है सर, कभी कभी $4-5 हो जाता है तो उसको आप कन्वर्ट कीजिए। तो उसको क्या होता है, हम बाय डिफॉल्ट अगर लोगों को और हमको भी इतने दिन से वो पता नहीं था तो पोर्टफोलियो इंप्रूव इसलिए नहीं हो रहा था, अगर हम माइनस के समय में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसका रिकवरी नहीं हो सकता है ना सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ अच्छा, हाँ ओके सर। यहाँ पे देखिए मेरा दिखा रहा है, यहाँ पे पोर्टफोलियो है 4,800 का, ठीक है। हाँ सर, अब इसके नीचे हम आएंगे, हाँ छोटा छोटा, तो आपको छोटे छोटे और भी मिलेंगे। हाँ सर, इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने इसको बीएनबी में कन्वर्ट कर रखा है, ये ऑप्शन आता है ना, आप तो पूरा क्लीन करके कन्वर्ट टू बीएनबी। हाँ इस पे मैंने कन्वर्ट करके और उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया था। हाँ, और अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे तो ऊपर टॉप में हिस्ट्री है किस किस कॉइन को मैंने कन्वर्ट किया है, आप इसका डेट भी देख सकते हैं। ये 17 तारीख को मैंने सबका कन्वर्ट किया है बीएनबी में, जो मेरे पास ये देखिए ना छोटी छोटी मात्रा में, हाँ ये सभी कॉइन थे, ये आप खरीज बोल सकते हैं इनको, इनको मैंने कन्वर्ट कर लिया था बीएनबी में, और बीएनबी को मैंने कन्वर्ट कर लिया था फिर यूएसडीटी में। और हाँ हाँ सही है, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे बीएनबी का जो है ना, यहाँ पे $41 मेरा $41 बना था टोटल उस वैल्यू का, लेकिन इस बीएनबी को मैंने जानबूझ करके रखा हुआ है क्योंकि मेरा जो बाय डिफॉल्ट बाइनेंस का जो ट्रेडिंग होता है उसका मेकर टेकर फीस होता है 0.1। हाँ तो मेरा जो फीस है उसमें मुझे कुछ डिस्काउंट मिलता रहेगा 15-20% का। अगर आपके पास बीएनबी नहीं है तो आप अपने बाइनेंस अकाउंट में, अगर आपने बीएनबी से ट्रेड नहीं करवा रखा है रोल क्यू से, तो फिर भी आप $5-10 का बीएनबी जरूर रखिए अपने बाइनेंस का एक्सचेंज पे, क्योंकि आपको जो फीस कटता है ना, ये देखिए ये एक ऑप्शन है यहाँ पे, यूज बीएनबी टू गेट डिस्काउंट, आप इस पे जब क्लिक करते हैं तो आपको देखिए क्या क्या बोल रहा है, इंजॉय 25% डिस्काउंट व्हेन ट्रेडिंग, हर एक कॉइन की ट्रेडिंग से बाइनेंस आपको 0. मेकर और 0. टेकर फीस लेता है, टोटल 0.2 जो फीस होता है। अगर आप बीएनबी रखते हैं तो इस फीस में से भी हमें 25% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप बीएनबी रखते हैं और इस ऑप्शन को इनेबल कर रखा है तो 5% का रख, जरूरी नहीं है आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूं कि ये ऑप्शन अच्छा है, कम से कम 25% का बहुत होता है डिस्काउंट। अच्छी बात, अच्छी बात। यूएसडीटी $5-10 का आप बीएनबी जरूर रखिए वहां पे। अच्छा, और एक बात सर एक्चुअली, तो वहां पे अगर बाय चांस हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो अगर मेरा कोई कॉइन में शिबा इनो में अगर मेरा $8 है आज के डेट में, मान के चलो कि अगर मैं भूल चुके एक 2-3 दिन अगर कन्वर्ट नहीं करूंगा तो उसका फ्लोटिंग लॉस में जाता रहेगा कभी कभी, तो ऐसा हमको ऐसा हो के प्रॉब्लम हो रहा है कि लोगों को कन्वर्ट करवाना, तो वो वहां पे उसको इम्प्रूव करने के लिए यही एक तरीका है ना सर, तो उसी टाइम पे उसको कन्वर्ट करके लेना है जब हमारा सेल होता है। समझा नहीं मैं, फिर बताइए आपका क्वेश्चन नहीं समझा। एक्चुअली क्या होता है, अभी रॉयल क्यू में अभी ट्रेड चल रहा है, आपका आवाज ब्रेक कर रहा है, तो पता नहीं मेरे पास ही आवाज कम आ रहा है या
क्लियर, आपका तो वॉइस मेरे को 100% क्लियर आ रहा है, एक्चुअली मेरा अब नहीं क्लियर है, बताइए फिर। हाँ, तो अभी मैंने ट्रेड चल रहा है, तो मान के चलो अभी सिबा यूनो में बाइनांस में मैंने मेरा ट्रेड क्लोज हो गया, रॉयल क्यू में बाइनांस में $8 का वहां पे पड़ा हुआ है, तो एक तो हम डायरेक्ट उसको सेल नहीं कर सकते, उसको तो थोड़ा थोड़ा सभी कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, बराबर। नहीं, आपका सिबा आपका रॉयल क्यू से ट्रेड क्लोज हो गया, मान लो आप रॉयल क्यू से उस कॉइन से बाहर हो गए, ठीक है। हाँ सर, तो फिर बाइनेंस में जाके भी मैनुअल आप उसको बीएनबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर रॉयल क्यू में भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको आप डायरेक्ट वहां से भी उसको यूएसडीटी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, रॉयल क्यू के कन्वर्ट में से कन्वर्ट। हाँ, जब आप देखिए मैं बताता हूँ, आपको पता है उसका ऑप्शन? पता तो है, लेकिन वहां पे कन्वर्ट करके देखा लेकिन हुआ नहीं मेरे को, उसके लिए मैंने वहीं पे छोड़ दिया सर। आप क्वांटिटी पे जाते हैं? हाँ, नीचे ये क्वांटिटी है ना। हाँ, इस पे क्लिक करते हैं। हाँ सर, तो इस पे भी क्लिक करते हैं या होम पे भी होते हैं, उसके साथ हमें एक ऑप्शन मिलता है ऊपर राइट कॉर्नर में, कन्वर्ट टू यूएसडीटी। हाँ, मिलता है। जो भी आपके एक्स्ट्रा कॉइन है, जैसे मेरे पास यहाँ पे जो मैंने कन्वर्ट टू बीएनबी कॉइन किया था सबको, तो वो ये दिखा दिया ना यहाँ पे। हाँ सही, तो मैं इसको यहाँ पे टिक करके और कन्वर्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरा बीएनबी है वो यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे $41 वो मेरे जो डॉलर है यूएसडीटी उसमें ऐड हो जाएगा। ओहो, इधर से डायरेक्टली डॉलर में आ जाएंगे। हाँ, आपको बीएनबी में वहां पे मैनुअल जाके आपको बीएनबी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और बीएनबी में फिर आपको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहां से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखने वाली है, एक भाई ने अब नॉर्मल ऑपरेशन के बारे में भी पूछा था, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस चीज को। काफी दोस्त क्या करते हैं, उनका रॉयल क्यू में ट्रेड लगा रहता है, ठीक है, उसको इस ऑप्शन पे जाके कन्वर्ट टू यूएसडीटी करते हैं। सिबाइनू ले लीजिए, मान लो सिबाइनू है, तो वो कम अमाउंट का है तो वो यहाँ पे शो कर देगा कन्वर्ट टू यूएसडीटी, या फिर वो बाइनेंस पे जाके मैनुअल सेल करते हैं कन्वर्ट टू बीएनबी, तो वो उन पॉइंट को भी काफी दफा सिलेक्ट कर लेते हैं जिनका ट्रेड रॉयल क्यू में चल रहा हो, चालू रहता है। हाँ, वो वहां पे उसको बीएनबी में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन रॉयल क्यू अपनी तरफ से उसको सेल करने जाता है तो वो अमाउंट उसको वहां पे मिलता नहीं है और वो फिर नॉर्मल शो कर देता है। सही बात है। अब मेरे को यही एक क्लियर करना था, एक्चुअली फ्लोटिंग लॉस होता है ना वहां पे, जो बचा हुआ $1-$2 अगर हम नेक्स्ट डे देखने के लिए जाएंगे तो वहां पे घट के 8 का जो घट के 6 पे आया हुआ रहता है, कई कॉइन्स का क्या है 4 का 5 हुआ रहता है, तो वहां पे तो उसको कन्वर्ट किस टाइम पे करना है हम, तो एवरी डे उसको कन्वर्ट करके रखना है? नहीं, डेली इतना ट्रेड कहाँ होता है, डेली इतनी खरीद कहाँ होती है और डेली इतने कॉइन में ट्रेड कहाँ लगता है? अगर रहेगा तो ऐसा कर सकते हैं, वो तो उसी कॉइन का बचेगा। मान लो आज 5 कॉइन में ट्रेड लगाया आपने, तो डेली तो रॉयल क्यू में आप चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं रहे, मतलब डेली तो नए कॉइन में ट्रेड नहीं लगाओगे ना आप। अगर मैं मान तो बाय चांस मैं मैनुअल ट्रेड कर रहा हूं तो उसको ज्यादा से ज्यादा कॉइन में जाएगा ना, तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूं। तो फिर आप जब मर्जी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अच्छा, और एक बात कर सकते हैं आप, और एक बात, मैं आज एक कॉइन पे ट्रेड लगाया हूं, एक्चुअली एक ही कॉइन पे, तो वो थेटा कॉइन पे जो बाय इन कॉल बैक है ना, तो उसको मैंने 3.9 रखा हूं एक्चुअली, बाय इन कॉल बाइन कॉल बैक सेल होने के बाद में रिटर्न बाइन कॉल बैक 3.9 रखा हूं सर मैंने। बाय इन कॉल बैक 3.9 कौन सा रखा है? एक सेकंड, मेरे को स्क्रीन शेयर करने के लिए दीजिए, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको आपका नाम क्या था? मोहम्मद साहब नराफ। मोहम्मद सफ नराफ तो नहीं है भाई, है ना सर? हर एक बार है। हाँ, ठीक है, मिल गया, एक सेकंड कीजिए भाई, स्क्रीन को शेयर कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है ना सर?
क्लियर है। हाँ एक ही मिनट सर, शेयर करता हूँ। लॉग इन कर रहा हूँ। लॉग इन नहीं किया है? नहीं नहीं वो दूसरा करके रखा था मैंने अभी। कोई नहीं, कर लीजिए। ओके हो गए सर, हो गए सर। एक्चुअली सभी लोग इंतजार में रहते हैं तो सभी लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। अभी शेयर कर रहा हूँ सर मैं। स्क्रीन शो हो रहे हैं ना सर? एक सेकंड। हाँ हो रहा है। अभी मैं रॉयल क्यू में जाता हूँ। अभी यहाँ पे थेटा कॉइन है ना सर? ये कॉइन तो इस पे यहाँ पे नीचे सेव हो रहा है ना सर? फर्स्ट बाइन अमाउंट 15 का है, मार्जिन कॉल लिमिट 1 का है, टेक प्रॉफिट रेशियो 1.5 है, अर्निंग कॉल बैक 0.1 है सर। यही तो ना। हाँ बाय इन कॉल बैक 3.9%। आप ट्रेड सेटिंग में जाइए। हाँ मेरे को इस पे वर्क होता है ना सर? अगर अभी ये क्वाइन सेल हो गया, सेल होने के बाद में 3.9% डाउन आने के बाद में बाय करेगा ना? नहीं। हाँ आपका जो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ, और जो आपने टेक प्रॉफिट रेशियो वहां पे लगा रखा है, हाँ, आप देखिए जो जो ये दो ऑप्शन है, वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.5%, ये तो अप मार्केट के लिए है। हाँ, हाँ, हाँ। और बाय इन कॉल बैक है 3.9% की, मार्केट जितना डाउन आएगा उससे 3.9% अप होगा तब वो उसको बाय करेगा। तो उतना डाउन आने के बाद में बाय करेगा या अप होने के बाद में बाय करेगा सर? अप होने के बाद में। अभी आपको मैं समझाता हूं, एक सेकेंड। मान लो ये 1 inch है, ठीक है? हाँ सर। 1 inch बाय हो गया है और हमने कमांड क्या दिया है, यहाँ पे आपने डाल रखा है बाय इन कॉल बैक 3.9। ये तो हो गया सबमिट मोड का, ये ऑप्शन है ये। हाँ हाँ वेयरहाउस मोड का। 3.9, ठीक है? हाँ सर। अब आपने बोट को कमांड दिया कि मेरा $10 का बाय हो जाए, बोट ने आपका $10 का बाय कर दिया। हाँ सर। ये जो $10 का बाय होने के बाद मार्केट, मान लो आपने टेक प्रॉफिट मार्जिन कॉल में रखा है, कितना रखा था फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लेते हैं 2% डाउन होते ही फर्स्ट मार्जिन कॉल उठे, हाँ, तो ये 2% का डायरेक्ट जाते ही आपका बाय कर लेगा, 3.29 कैसे जाएगा? हाँ आपने फर्स्ट मार्जिन कॉल कितना डाल रखा है वो बताइए। मैं 15 रखा था, एक्चुअली 15 रखा। ये आपने 15 रखा हाँ, था। हाँ हाँ सर। मैं यहाँ पे इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे 15 कर दिया। आपने $10 का बाय किया और 15% मार्केट डाउन आ गया। हाँ लेकिन 15% मार्केट डाउन आते ही ये जो आपने कॉल दे रखा है कि 15% डाउन आए, तो कितने डॉलर का बाय हो, वो कितना डाल रखा है आपने? वन टाइम रखा है सर। वन टाइम, तो ये जो आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट है इसका $15 का बाय कर ले, तो $15 हाँ। का बाय कर डाउन, मार्केट डाउन आती है ये $10 का बाय करेगा हाँ। लेकिन ये बाय कब करेगा? जब ये यहां से 3.9 ऊपर जाएगा उस टाइम पे बाय करेगा। अगर अभी सेल करने के बाद में बाय नहीं करेगा, उस टाइम पे बाय नहीं करेगा। आपने अगर 15 रखा हुआ है, 15% डाउन रखा हुआ है, लेकिन 15% डाउन आते ही बाय नहीं करेगा, बाय करेगा जब आपने आपका दूसरा को कमांड हिट होगा, ये यहाँ से 3.9 ऊपर जाएगा तब ये इसको बाय करेगा। ओहो हो, जब जाके इसको अगर बाय सेल करता रहेगा उसी पोजिशन पे, तो यानी कि जो फर्स्ट मार्जिन कॉल रहेगा तो उसके बाद में यहाँ पे लेगा क्या सर ये 3.9 पे? हाँ उसके बाद तो में लेगा। ये तो मैंने, ये तो हो गया आपका सर। हाँ
ये तो हो गया आपका। अब मैं जो मैंने लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट बाइंग अमाउंट क्या डाल रखा है? $10। और हम मार्जिन कॉल में जाके चेक करते हैं कि मेरा 0.1 डाउन हो तो ये $10 का बाय कर ले, ठीक है? सर, अब यहां पे एक सेकेंड, अब यहां पे हमने $10 का बाय कर लिया बोट ने, और उसके साथ क्या कमांड दे रखा है कि 0.1% का डाउन हो तब ये फर्स्ट मार्जिन कॉल को उठे और $10 का बाय कर ले, ठीक है? हाँ सर, हाँ। लेकिन हमने इसके साथ साथ एक कमांड और दे रखी है, ये वाली बाय इन कॉल बैक की, 0.1% का तो ये बाय करे $10 का, लेकिन तब बाय करे जब यहां से ये 0.005% ऊपर आए, तब बाय करेगा ये $10 का, ऊपर आने के बाद में बाय करेगा। हाँ, और ये इस पे इसके साथ साथ हर एक मार्जिन कॉल पे सेट होगा, जितने भी आप मार्जिन कॉल यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे $10 का बाय हो गया, यहाँ पे जो एवरेज प्राइस बना उस एवरेज प्राइस से जैसे ही 0.2% मार्केट डाउन होगा तब ये इस $10 का और बाय करेगा, लेकिन कब बाय करेगा? जब 0.2 से 0.05% ऊपर आएगा। अच्छा, वही मेरे को यहाँ पे एवरेज प्राइस बनेगा, फिर इसके बाद फिर 0.3% मार्केट डाउन होगा, फिर हमने कमांड दिया कि $10 का बाय करे, लेकिन इस $10 का बाय कब करेगा? जब यहां से भी 0.05% मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये हर एक जो मार्जिन कॉल के साथ यही कोड लागू होगा, यही रूटीन लागू होगा, ठीक है? अच्छा, ओके सर, वही वो मैंने समझा कि ये मैंने तो 3.9 रखा है तो इमीडिएट यहाँ पे बाय सेल कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है बोल के मैंने कंफ्यूज आ गया, तो ये सेटिंग अप्लाई नहीं हो रहा है क्या? ऐसा जितना कम रखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। अभी आपने वहां पे 3.9 कर रखा है तो मार्केट को 15% डाउन तो आ गया और वहीं पे रहा तो आपका कॉल जल्दी क्लियर नहीं होगा, वहां से 3.9 की आप कम कर लीजिए। वहां सही है, उसको मैं मैनुअल खेल रहा था उसीलिए उसको उतना रख के मैंने ट्रायल कर रहा था, तो एक्चुअली वो जो कॉल लेने के बाद में वो अप्लाई होता है ना एक्चुअली वहां पे, उसके बाद में अगर सेल करेगा तो उतना मार्केट डाउन आने के बाद में लेगा वो। हम जो भी कमांड देके छोड़ेंगे ना रोल क्यू को, वो उसी पे काम करेगा। हाँ, क्लियर भाई? ओके सर, ओके। और कोई क्वेश्चन? और कुछ है नहीं सर, कुछ रहेगा तो ले फिर से कभी लेता हूँ। दूसरे भाई का क्वेश्चन लूं? दूसरों का ले लो सर, क्योंकि रह जाएंगे और भी हम ही बात करने का हो जाएगा, तो लोगों का भी होना चाहिए सर। ओके, धन्यवाद भाई, मीटिंग में आते रहिए। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट है बोमाराम डूडी सर, कैसे हैं? अनम्यूट को ऑप्शन दिया आपको। ठीक है सर जी। सर और बताइए। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, क्लियर है भाई। सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब ये कॉइन ज्यादा कर और कम सेल करते हैं क्वांटिटी कॉइन, जो जैसे मतलब कॉइन है ना वो ज्यादा बाय करते हैं और कम सेल करते हैं, उसका रीजन क्या है? जब किसी कॉइन में बहुत ज्यादा पंपिंग डंपिंग होता है, ठीक है, उस टाइम पे ऐसा होता है। क्यों होता है आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। जी सर, हमने कोई कॉइन बाय किया, बोट को कमांड दिया कि $10 का बाय करे कोई कॉइन, ठीक है? हाँ सर। अब वो हमने बोट को कमांड दिया और वो कॉइन का रेट है $1, तो $10 का हाँ। हमें 10 कॉइन मिल जाएगा ना। हाँ,
अब हमारे पास है 10 क्वांटिटी उस कॉइन की। अब इस 10 की क्वांटिटी को बोट सेल करने के लिए जाएगा तो कोई को बाय करने वाला भी रहेगा ना। जब ये सेल करने जाता है बोट तो क्वांटिटी में जाता है, और जब बाय करने जाता है तो डॉलर में बाय करता है, ठीक है। बाय में क्वांटिटी ज्यादा बताता है और सेल में कम बताता है। हाँ, राज गुप्ता भाई स्क्रीन पे टच मच कीजिए सर आप। हाँ, और ना ही पाटिल भाई आप स्क्रीन पे टच मत कीजिए। हाँ, ये ज्यादा एक्सपर्ट है ना, अभी सभी लग गए। बोलो भाई स्क्रीन पे टच मच कीजिए, ये आपके लिए नहीं है यार। सभी टच करने लगे भाई, स्क्रीन पे टच मत कीजिए, ये एक्सप्लेन के लिए है, मुझे ही कर लेने दो यार। अभी देखिए $10 का आपने बाय किया और आपको मिले 10 कॉइन, कोई भी कॉइन, ठीक है। तो बोट इस $10 को सेल करने जाएगा तो कोई $10 का बाय करने वाला रहेगा, है ना। लेकिन उसी टाइम पे आपके जो $1 में जो बाय किया था आपने, उस कॉइन का रेट $1 की जगह $1.5 हो जाता है। और बोट इस $10 को सेल करने के लिए जाएगा, ठीक है। और कोई 10 कॉइन की क्वांटिटी का बाय करेगा, क्योंकि कोई तो बाय होगा सेल करने वाला, और उसी टाइम $1 की जगह $1.5 रेट हो जाएगा। तो ये $10 का बाय करेगा, लेकिन हमने सेल के लिए डाला है 10, तो हमारा कितना सेल होगा। कम सेल होगा ना, कम सेल होगी। हाँ, तो बाकी जो बचेगा वो अपने अकाउंट में रहेगा और वहां पे शो करेगा कि कि $6 आपका सेल हुआ, $7 आपका सेल हुआ, आपका बाय तो हुआ 10 कॉइन वो, और सेल होगा 8-9 ऐसे करके, और जो बाकी एक या दो कॉइन बचता है वो आपके बायनेंस में ऐड होता जाता है, ठीक है। हाँ, वो ऐसे ही होता है, डबल मार्केट में था या आपने। ओके सर, क्लियर है भाई। हाँ ओके, हो गया। ओके ओके ओके, नरेश चांद, नरेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। सर हेलो, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही सर, आपका आवाज थोड़ा सा धीमा आ रहा है सर, आवाज जी, जी। ब्रेक हो क्या रहा है आपका। हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था सर, वैसे तो वो मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया लगभग। उसमें जो $7,500 जिनके लगे थे उसमें, क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैंने पहले $600 से वो किया चालू इसको, उसके बाद ऐसा हुआ कि उसमें 4-5 कॉइल लगा दिए मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने, तो उसमें $600 में 4-5 कॉइल, हाँ उन्होंने लगा दिए, उनको भी जानकारी नहीं थी, गलती उनकी नहीं, जानकारी नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो उसमें 3-4 दिन तो आया उसमें जो कुछ $4-3, उसके बाद उसमें सारा पैसा फंस गया। फिर मैंने $450 और नया डाला उसमें, तो फिर मैंने कि चलो लगा देते, एक वो मेरा सर का सर्किल लगा दिया, उसमें एक कॉइन लगा दिया। अब उसमें कुछ निकलना नहीं था, तो वो तो पहले से ही होल्ड थे सभी, उसमें प्रॉफिट आने लगा। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा इनमें कैसा निकले कैसे निकले, तो उन्होंने कहा ऐसा करो इसमें फंड डाल के देखो। तो फिर मैंने $600 और उसमें बढ़ाया,
उसके बाद तो एक डॉलर में हमने एवरेज करने के लिए 100 डाल दिए, तो एवरेज तो हुआ नहीं, वो रह गया, वो और बैक हो गया। तो इसमें अब मेरे उसमें समझ में आई कि उसमें हमें वो चेंज करनी थी जो 7,500 वालों को, 7,500 वालों को आपने बताया ना, उस तरीके से करना है, वैसे ही करना बेस्ट है। हाँ, लेकिन हमने मैनुअल खरीद लिया तो एवरेज भी नहीं हुआ और उसमें पहले से था और 100 और फंस गया। तो नहीं, आपने मैनुअल बाय किया तो एवरेज तो हुआ है सर, ऐसा नहीं कि एवरेज नहीं हुआ, एवरेज तो है, लेकिन आपकी बाइंग के बाद मार्केट और डाउन हो गया और डाउन चला गया, में डाला था वो भी स्टक हो गया। हाँ, वो भी उसमें चला गया। तो अब हमने सोचा कि इसमें करीब हमारा $600 के करीब बचा हुआ है, तो हमने फिर उसमें मेरा सर के ही 2 कॉइन और लगवा दिए, तो उनसे तो आ रहा है। लेकिन वही क्वेश्चन था, मैं बार बार हाथ तो रोजाना करीब 10-15 दिन से कर रहा हूँ हैंड रेस, लेकिन नंबर नहीं आ पाता था, इसलिए मैंने चैट में डाला आज। तो मेरा क्लियर हो गया लगभग उनसे, जो $7,500 वाले थे ना, वो सेम वही कंडीशन थी, उसी को पूछने के लिए मैं 8-10 दिन से लगातार वो कर रहा था हैंड रेस, लेकिन नंबर नहीं आया, इसलिए मैंने चैट में भी डाला आज। आज आ गए ना, एक रूटीन वाइज से लेते हैं तो पॉसिबल अभी भी तकरीबन 25-30 हैंड रेस होंगे और टाइम हो चुका है, तो सभी तो नहीं ले पाएंगे ना। जी जी हाँ, तो वो क्लियर तो हो गया लगभग। अब तो उसमें एक एक कॉइन को हम एवरेज कर करके उसी तरह से जो आपने स्ट्रेटजी बताई उससे हो सकता है वो एक एक कॉइन, तो उसी प्रकार से करेंगे सर। धन्यवाद, नंबर भी आ गया आज 10-15 दिन बाद, वैसे तो 1 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं आपकी, देख रहे हैं हम इसको, और हमें ज्वाइन किए भी 1 महीना हो गया लगभग। ठीक है सर, यही पूछना था। ओके, धन्यवाद सर, क्लियर है आपका। जी जी ओके दोस्तों, माफी चाहूंगा, और 10:30 हो चुके हैं, मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आज मैं पूरा दिन से थका हुआ हूँ जी, जी सर, मीटिंग भी था वहां पे भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगा, पूरा दिन ऐसे ही चला आना जाना, तो सोचा दोस्तों के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो लिए जाएं, कल की क्यूरी है वो ली जाए, और बाकी जितने भी दोस्तों के अगर क्वेश्चन आंसर बचते हैं ना तो वो फिर देखते हैं, कल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और सोच रहा हूँ जल्द ही दिन में भी एक डेली टेक्निकल सेशन हो, तो एज पॉसिबल जब भी टाइम मिलेगा हम कोशिश करेंगे जो 3 बजे वाला सेशन है उसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई हैं जिनके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं माफी चाहेंगे, पूरा मन माना, फिर लेने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट सेशन में भी, मीटिंग को करते हैं सभी समाप्त, मॉर्निंग में टेक्निकल सेशन होना चाहिए। भाई क्वेश्चन आंसर तो बंद कर दिए हैं, बाकी जो आपके सुझाव हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, उन सुझाव पे गौर करेंगे कि थोड़ा इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए। प्रवीण कुमार, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भाई डालता हूं, प्रवीण भाई लो आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दिया है, तो बताइए मॉर्निंग मीटिंग टेक्निकल सेशन का लिंक भेजो भाई। राज भाई मॉर्निंग में टेक्निकल सेशन नहीं होता है अपना, 3 बजे होता था दिन में, इवनिंग में 3 बजे उसको स्टार्ट फिर से कर रहे हैं। टेक्निकल सेशन अपना सैटरडे संडे रात को 9 बजे इसी लिंक पे होता है, मंडे टू फ्राइडे प्लान प्रेजेंट होता है। मॉर्निंग में टेक्निकल सेशन चाहिए भाई, कोशिश करेंगे मॉर्निंग में भी टेक्निकल सेशन लेने की उठते ही टाइम, ये सुझाव अच्छा है राज भाई, ये आपका सुझाव थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, मॉर्निंग में उठते ही टेक्निकल सेशन करते हैं कोशिश, ही पॉसिबल रहा क्या करें, रात को सोते टाइम 2 बजे आते हैं 3 बजे आते हैं तो लेट थोड़ा लेट उठा जाता है, फिर भी कोशिश करेंगे करने की। और भी भाइयों के सुझाव हैं तो मेरा सर मार्जिन कॉल 5 है,
8 कर सकते हैं और सब में मोड लगा सकते हैं क्या? संजय भाई आपका मार्जिन कॉल अगर 5 है तो सबमिट तो ऑटोमेटिक एक्टिव है क्योंकि 5वीं मार्जिन कॉल पे सबमिट मोड एक्टिवेट हो जाता है। सर मोबाइल नंबर व्हाट्सएप भेज दीजिए। सुशील भाई कोई भी होस्ट को होस्ट आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड नहीं करवाएगा क्योंकि ये अपना नेशनल जूम है। हर टीम हर पूरे वर्ल्ड की जो रॉयल क्यू कम्युनिटी है वो यहाँ पे आती है तो कोई भी होस्ट को होस्ट आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ये रूल बना रखा है मैंने जूम मीटिंग का। डेली टेक्निकल ट्रेनिंग होना चाहिए मॉर्निंग में तो बेस्ट है। गणेश भाई का भी आया है। जी गणेश भाई सर अगर सर्कल ज्वाइन किया है तो भी क्या मैनुअल बाय सेल कर सकते हैं? भाई सर्कल ज्वाइन तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ट्रेड फाइनेंस में कैसे दिखता है? क्योंकि भाई आपका छोटा सा क्वेश्चन है, कोशिश करता हूँ आपकी रिप्लाई देने की। सर आपका वॉइस बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है, एक बार म्यूट कर लीजिए। और बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा था सर। एक भाई ने पूछा था कि बाइनेंस पे हम ट्रेड कैसे चेक करें। जब आप बाइनेंस में जाएंगे तो आपको क्लिक करना है, नीचे ट्रेड का बटन है, इस पे क्लिक किया और आपको क्लिक करना है। अब यहां पे एक देखिए नीचे एक कॉपी का निशान है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ओपन हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री और ट्रेड हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा। ये जैसे ही आप ट्रेड हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी, कौन सा कॉइन बाय हुआ है, कब सेल हुआ है। ये देखिए हर डेट के अनुसार आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी रॉयल क्यू ट्रेडिंग कर रहा है वो पूरा हिस्ट्री आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बाइनेंस एक्सचेंज में। ठीक है भाई, तो दोस्तों मिलते हैं कल के जूम में और रात को 9 बजे। माफी चाहेंगे आज के मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोल की अर्निंग करते रहिए और डॉलर गिनते रहिए।